महिला को मिला ह्यूमन राइट्स संस्था का सहारा। गया में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय पहुंची राजस्थान की रहने वाली अंजना शर्मा, जिसके साथ महज 1.5 साल की एक मासूम बच्ची है। उन्होंने बताया कि उनके पति वीरेंद्र कुमार शर्मा मैसलजी के पद पर ओटीए गया में कार्यरत हैं और वर्तमान में वे लोग मगध मेडिकल थाना अंतर्गत ओटीए गेट के पास रहते हैं। 19 जनवरी 2022 से इनके पति बिना बताए अपनी बड़ी बच्ची को लेकर राजस्थान चले गए, जिसे लेकर अब इस महिला के सामने कई संकट उत्पन्न हो गई थी, जिसे आज नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के मुख्य सचिव गणेश सिंह ने पीड़ित महिला की पीड़ा को महसूस करते हुए अविलंब 2000 रुपए की नगद की आर्थिक सहायता दी। वहीं अभिषेक मिश्रा संस्था के पदाधिकारी ने भी 500 रुपए नगद देकर महिला की मदद की है। संस्था के सचिव ने कहा कि यह मामला आज हमारे पास आया है, पीड़िता ने लिखित शिकायत की है, हम जल्दी कानूनी कार्रवाई के लिए और महिला को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएंगे। पत्रकार मित्र के माध्यम से पीड़िता महिला अंजना शर्मा जी की शिकायत हमारे कार्यालय में आई है। उन्होंने बताया है कि उनके पति गया ओटीए में मैसेलची के पद पर कार्यरत हैं और विगत 19 जनवरी से अपनी बड़ी बेटी के साथ वह राजस्थान फरार है। चूंकि पीड़ित महिला अपनी एक छोटी बच्ची के साथ अकेले यहां मगध मेडिकल थाना अंतर्गत किराए के मकान पर रह रही हैं। उनके पति ने उस मकान में बहुत पूर्व से रखा था, लेकिन हमेशा से इन लोगों के बीच में विवाद आया है, पैसों को लेकर के, खर्च न देने को लेकर, शारीरिक पीड़ा, मानसिक शोषण, जो भी इस सारे मामले को उक्त लेकर के आज एक पत्रकार भाई के माध्यम से यह शिकायत हमारे कार्यालय में आई है और पीड़ित महिला ने आवेदन देकर के इंसाफ की गुहार लगाई है और हम जैसा भी होगा इसमें आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए संस्था के कार्यालय के द्वारा उनको 2100 रुपया नगद राशि देकर के सहयोग किया गया है तथा अभिषेक मिश्रा जी जो है संस्था के पदाधिकारी, उनके भी माध्यम से 500 रुपया देकर उनके सहयोग किया गया और बाकी आवेदन आया है और आवेदन के आधार पर फिर हम लोग आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे।